जय माता दी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर चारू मुद्दर, प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड एंड वास्तु। माँ के पावन नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम एक वीडियोस का सीरीज कर रहे हैं जहाँ मैं आपको आपके डेट ऑफ बर्थ से आपके सक्सेस का डायरेक्शन बता रही हूँ। अपना सक्सेस का डायरेक्शन जानने के लिए आपको कोई कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट से लेकर 31st तक आपका बर्थडे जिस भी डेट पर है, आप उससे अपने सक्सेस के डायरेक्शन का चुनाव इजिली कर सकते हैं। हमने 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट कर लिया था और आज टर्न है नंबर 8 की। तो अगर आपका बर्थडे 8th, 17th या 26th ऑफ एनी मंथ है, यू रूल्ड बाय द प्लैनेट सैटर्न। जी हाँ, शनि। शनि को न्याय और कर्म का दाता भी कहते हैं, इसलिए नंबर 8 पीपल कर्म करने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। नंबर 8 की अगर हम पर्सनैलिटी ट्रेट की, यूनिक पर्सनैलिटी ट्रेट की बात करें, तो इनकी जजमेंटल क्वालिटी एक्सीलेंट है। ये सही को सही और गलत को गलत मुंह पर बोलने का साहस रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। कोई कंट्रोवर्सी, कोई परेशानी आपके पास आ जाए, आप नंबर 8 को बोलो कि आप बताओ, आप फैसला दो कि सही कौन है, गलत कौन है, तो ये इजीली सही का साथ देंगे। बहुत जल्दी बात पहचान जाएंगे और अपना जजमेंट दे देंगे। नंबर 8 के सक्सेस का डायरेक्शन है वेस्ट। अगर हम नंबर 8 के नेगेटिव क्वालिटी की बात करें, तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में फंस जाते हैं, बिकॉज इन्हें हर चीज में सही गलत ढूंढना होता है, सही गलत का फैसला करना होता है। बहुत जल्दी कॉन्ट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नंबर 8 नंबर स्लोनेस का है, बट नंबर 8 गारंटी स्टेबिलिटी। तो अगर हम नंबर 8 के सक्सेस के डायरेक्शन की बात करें, तो वो है वेस्ट। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजें जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस, अपने एडवाइसेस, अपने क्वेश्चंस पुट इन करिए, मैं उनका जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच।